बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माइग्रेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने फैब्रिक बचा हुआ ड्रेस में से बचा हुआ फैब्रिक लिया है। इसमें से एक ये डिज़ाइन में और एक ये पट्टी है मेरे पास। इसकी विड्थ है 13 इंच और मैं लेंथ लूंगी 14 इंच। इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी। और इसे मैं साइड से रखूंगी 2 इंच और ये मैं दूंगी बॉक्स प्लेट। इस तरीके से 2 इंच नहीं, 3 इंच लूंगी, 3 इंच लूंगी, सॉरी, ये 3 इंच लेकर मैं ये दूंगी इतनी बॉक्स प्लेट। और बॉक्स प्लेट दूंगी मैं 2 इंच। ये फ्रंट और बैक दोनों पीस हैं, इसकी बॉक्स प्लेट दूंगी मैं 5 इंच पर। फाइव इंच तक मैं बॉक्स प्लेट दूंगी और 2 इंच पर नेकलाइन की लेंथ होगी। टू इंच विड्थ ये नेकलाइन, इस साइड तक बॉक्स प्लेट। और ये मैं साइड में पैनल लगाऊंगी। सेम इसी साइज में लेंथ लूंगी और इस तरीके से मैं ये पैनल की कटिंग करूंगी। इस साइड से लूंगी 2 इंच और इस साइड से भी लूंगी 2 इंच और फिर से इस तरीके से कट कर दूंगी। और फिर से इस तरीके से ऐसे रखूंगी और इसे अलग कर दूंगी। ये इस तरीके से दोनों साइडों पर लग जाएगा और इसमें से मैं आपको आर्म होल की कटिंग कर दिखाती हूँ। आर्म होल की लेंथ लूँगी 4 इंच और बहुत हल्की सी कटिंग करूँगी।
1 inch करिए कटिंग कर कर हल्की सी साइड से भी कटिंग कर दूं। ये इस तरीके से ये फ्रॉक बन जाएगी, लेकिन मैं आपको इस फैब्रिक से भी डिज़ाइनिंग बनाकर दिखाती हूँ कि मैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए आपको 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। एक निशान 7 इंच पर लगाऊंगी, ये हो गया है 8 इंच। 4 इंच पर एक निशान और लगाऊंगी। अब मैं इसे कट कर दूंगी। इस साइड से भी उसे कट कर दूंगी। ये इस तरीके से, और इसकी मैं बनाऊंगी फ्रिल। इसकी बनाऊंगी फ्रिल ये मैं लूंगी 3 इंच। फ्रिल की लेंथ लूंगी 3 इंच। इसे मैं अब दरमियान से कट कर कर अलग कर लूंगी। एक फ्रिल लगाऊंगी मैं इसमें, हल्की सी चुन्नट देकर एक फ्रिल, और फिर ये स्टिचिंग में आ जाएगा 1/2 इंच। अच्छा, फिर दूसरी फ्रिल में इसमें दूंगी हल्की हल्की चुन्नट, और फिर ये 1/2 इंच ये स्टिच में आ जाएगा। और फिर मैं इसे हल्की सी कट कर दूंगी 1/2 इंच के करीब, कि एक फ्रिल जब मैं नीचे लगाऊंगी तो ये बैलेंस एक हो जाए। और एक फ्रिल लगाऊंगी मैं इसमें नीचे की साइड। और इसकी डिजाइनिंग बहुत ही खूबसूरत तैयार होगी, और तैयार करने के बाद मैं आपको ये फ्रॉक दिखाऊंगी। और इसमें ये झालर आ जाएगी। मैं आपको तैयार करने के बाद दिखाती हूँ कि वीडियो आपको ये फ्रॉक की डिजाइनिंग कैसी लगती है। ये देखें, मैंने इस तरीके से ये बॉक्स प्लेट की स्टिचिंग कर ली, और साइड में जो ऊपर के पैनल थे ये स्टिच कर लिए। अब इसमें से मैं नेक लाइन की कटिंग करूंगी।
ये फ्रंट की नेक लाइन की कटिंग हो गई और ये बैक पीस, इसमें भी मैंने इस तरीके से बॉक्स प्लेट की स्टिचिंग कर ली। और अब ये नेक लाइन में पाइपिंग लगेगी, आर्म होल में पाइपिंग लगेगी और फिर ये इस तरीके से ये मैंने स्टिच कर ली। ये जो झालरें कटिंग की थी ये इन पट्टियों के साथ, ये जो साइड का पैनल कटिंग किया है ये उसके साथ ये झालर अटैच कर ली और ये इस तरीके से एक इस साइड लग जाएगी और ये एक इस साइड लग जाएगी। और जो ये लेस है, ये लेस इस तरीके से दोनों साइड ये लेस लग जाएगी और ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक तैयार होगी। फ्रॉक की स्टिचिंग मुकम्मल हुई। ये फ्रॉक की डिज़ाइनिंग यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो, इस फ्रॉक की कटिंग और डिज़ाइनिंग कैसी लगी। इस साइड पर ये जो बॉक्स प्लेट हमने स्टिच की है, इस पर आप छोटे छोटे फ्लावर या बटन लगा सकती हैं। छोटी छोटी बोएं भी मिलती हैं, वो भी लगा सकती हैं। और ये लेस पट्टी और ये झालर में आप पीको भी करवा सकती हैं, लेस भी लगा सकती हैं, बारीक सी कंगूरा भी लगा सकती हैं। और ये डिज़ाइनिंग यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन भी ज़रूर टच करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।